तुम्हारा प्रपोजल नहीं लाई, फलक का लाई है। तो क्या हुआ, फलक के लिए इतने अच्छे घर से रिश्ता है, ये अच्छी खबर है। फलक किधर है? वो अपने रूम में है। सर में दर्द था, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। मैंने शाहीन से कहा है कि कमरे में ही चाय दे दो उसे। आलिया आई थी। अच्छा, क्या हुआ, खैरियत? वो क्यों आई थी? अपने देवर कबीर के लिए फलक का रिश्ता देखे। क्या? अब ये तो बहुत अच्छी खबर है, और आपने इतना इंतजार किया मुझे इतनी खबर देने के लिए, इतना लेट बता रही है मुझे। क्या अच्छी खबर है? तुम्हारा प्रपोजल नहीं लाई, फलक का लाई है। तो क्या हुआ, फलक के लिए इतने अच्छे घर से रिश्ता आया है, ये अच्छी खबर है। इनकार कर दिया मैंने। ये आप क्या कह रही हैं भाभी, इनकार कर दिया? ऐसे कैसे इनकार कर दिया? बस उनका इरादा पहले अपनी बड़ी बेटी की शादी का है। तो आलिया, तुम्हें उन्हें कन्विंस करना चाहिए था ना। आपको क्या लगता है, मैंने कन्विंस नहीं किया उन्हें? हद करते हैं आप भी। हम तीनों में पब्लिक डीलिंग्स में शायद मुझसे अच्छा कोई भी नहीं है। ऐसे भाभी, कितनी अजीब सी बात है, बड़ी बेटी की शादी नहीं होगी तो क्या छोटी बेटी को सारी जिंदगी घर पर बिठा के रखेंगे? मैं तुम्हें हजार दफा बता चुकी हूँ नवान, तुम बड़ी हो और फलक छोटी, तुम्हारी शादी पहले होगी और फलक की बात में। अम्मी, इतने अच्छे घर से रिश्ता आया है, इतने बड़े बिजनेस का मालिक है वो, गुड लुकिंग है, बाहर कोई ऐप भी नहीं है, तो और क्या चाहिए हमें? आजकल तो रिश्तों के लिए यही सब कुछ देखा जाता है, और फिर मेरी शादी पहले हो या फलक की, क्या फर्क पड़ता है? अच्छा मुझे बताएं, आपने फलक से जिक्र किया, उससे पूछा इस बारे में? माँ, मैं हूँ, मुझे फैसला करना है। फलक को क्या पता, वो तो बच्ची है, क्या सही है उसके हक में, क्या गलत है। अम्मी, इनकार करने से पहले एक बार उससे पूछ तो लेती। आपने बहुत गलत किया, आपको इनकार नहीं करना चाहिए था। प्रपोजल उसी के लिए आया है, फलक के लिए आया है, उसको पता होना चाहिए। आपने इनकार करना ही था तो एक बार उसे जिक्र ही कर लेती। मुझे मत समझो, मैं सब समझती हूँ, तुम बड़ी हो, तुम्हारी शादी पहले होगी। बहुत ही ना कोई फजूल जवाब है इनकार करने का, एटलीस्ट टाइम ही मांग लेते सोचने के लिए। और आलिया, तुम्हें भी प्रपोजल जाने से पहले ये वेरीफाई कर लेना चाहिए था कि आया उनकी बड़ी बेटी इंगेज है या नहीं। मालूम था मुझे, मैं अपना होमवर्क करके गई थी। अम्मी, जब मुझे कोई एतराज नहीं है, आप क्यों एतराज कर रही हैं? तुम्हें मैं कैसे समझाऊं नवाब, अगर बेटा मैंने फलक की शादी पहले कर दी और तुम्हारी शादी नहीं हुई तो सब लोगों की जबान पर एक ही सवाल होगा, क्योंकि मैंने फलक की शादी पहले, लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। फॉर गॉड से कमी, हमें किसी को कोई जवाब नहीं देना, हमारे घर के लिए हमारे लिए क्या बेहतर है आपको वो करना है, फिर लोग क्या करते हैं क्या कहते हैं हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है, इसीलिए मुझे जो सही लगा मैंने वही फैसला किया। साथिया तूने धोखा दिया।